अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। हमारा कल्चर है, कल्चर को जितना सेलिब्रेट करेंगे ये सारी दुनिया करती है। हमें खुशी होती है कि जब सिंध का दिन मनाया जाता है और इस लेवल पे मनाया जाता है। ये पूरा महीना इस लिहाज से ये इसकी सरगर्मियों में होता है। ये भाईचारे के लिए हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने इंट्रोड्यूस किया अपनी अपनी जबान को, अपने कल्चर को, अपने पोशाक को, और ये अच्छी बात है। देखिए, सिंध कल्चरल डे मैं समझता हूँ कि एक दुनिया में सकाफत है, सिंध की तहजीब है। 5000 BC आप पीछे चले जाएं, मोहनजोदड़ो की देख लें हिस्ट्री। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया मुत्तहिद है। जहाँ जहाँ सिंधी बसते हैं, आप देखते हैं कल दुबई में भी एक बड़ा इवेंट हुआ है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, जी जी जी, अगर जब तक हम अपना प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे कल्चर, तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन पर पैगाम नहीं ला सकते। और मैं समझता हूँ ये यंगस्टर्स, हम बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए पीछे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो कितने मुतहरिक हैं। वो समझते हैं कि सिंध यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो कायदे आज़म साहब की पॉलिसी है, वो मजबूत होगी। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम इस तरह बगैर किसी मजहबी लसानी फ़र्क के मुतहद होते हैं। और इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु जो तहजीब हज़ारों बरस पुरानी है, उसके हवाले से उसकी तारीख को, उसके लोगों को याद करते हैं, तो एक हिसाब से ये हमारी सकाफती ईद है जो कई ज़मानों से जारी है, और ये आज खुशी का दिन है। निसार खोड़ो साहब ने आपको अजरक पहनाई, तो कैसी फीलिंग आई आपके अंदर? मैं आपको बता दूं कि निसार खोड़ो साहब बहुत याद से 10-15 एक मोहब्बत है। ये मेरी खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो हैं वो अपने इतना इज्जत देती हैं, इतना देती हैं। अभी आपको सुनाया गया है, ओ जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, रहे सदा सिंधु जी छोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन, सिंधु अमर जा नारा नारा नारा, जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। गैस इवेंट का तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात ये कि मुझे बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे सिंध में कल्चर डे मना रहे हैं, और सिंध जनरल काउंसिल जो ने बहुत अच्छा काम किया है, आज ये जो कल्चर डे मना के तमाम कौमों को, भले सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, एक मिसाल कायम किया है। सिंध धरती जो है ना, सूफी की धरती है, सिंध हमारा ईमान। थैंक यू सो मच डॉक्टर वारिस अली, वाइस चेयरमैन YDA सिंध। पूरा सिंध इस तरह खुशी मना रहे हैं, आज कल्चर डे है। बगैर रंग, नस्ल और ज़बान से जो भी सारे सिंध में जितने भी लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इसको ईद की तरह मना रहे हैं, और सब मिलजुल के मना रहे हैं, और एक यूनिटी है, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ साथ हम सुबह सिंध के डॉक्टर भी सारे यकसां इसी तरह मना रहे हैं जिस तरह सारे सिंध के लोग मना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सिंध का ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए, और इसमें सारे दोस्त जो भी यहाँ सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं उन सबको बहुत मज़ा आया, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू आर्ट काउंसिल फॉर अरेंजिंग दिस सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, एंड इंशाल्लाह हम भी जल्द ही ऐसा कोई प्रोग्राम JPMC में भी अरेंज करेंगे और आप सब लोगों को बुलाएंगे। थैंक यू। Thank you.
मतलब इस तरह के होने चाहिए सिंधी फंक्शंस, और हम लोग इंजॉय करते हैं बहुत, सिंधी लोग गीत वगैरह सुनते हैं हम लोग, और जो है सिंधी ईद की तरह डे होता है, ये सेलिब्रेट करना चाहिए इसी तरह, और हम बहुत इंजॉय करते हैं जी, भरपूर तरीके से सेलिब्रेटिंग की थी बहुत बहुत। हम लोग की तैयारी के तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर आके तो ऐसा लग रहा होता है यूनिटी शो हो रही होती है कि आप एक दिन आते हो और मतलब 3 दिन ईद की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग ड्रेसेस बनवाते हैं जैसे ईद पे बनवाते हैं, तैयार होना फुल और सारी चीज़ें वगैरह ईद की तरह फुल। तो कितने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत एंजॉय करो, और अभी तो ये शुरुआत है, जब 5th दिसंबर आएगा तब तो बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। आप क्या कहोगे सवाल पे, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? ये दिन ऐसा नहीं है, ईद की तरह नहीं है, ये दिन हमारी ईद की तरह, ईद से कम नहीं है, हर स्पेशल इवेंट स्पेशल होता है, मगर ये कल्चर डे हमारी सबसे अच्छा, और बहुत खुशी होती है जब ये मंथ आता है, स्पेशली ये मंथ हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कल्चर डे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंधी हैं और हमें प्राउड है हम सिंधी हैं, और हम इसी तरह ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं ताकि सभी जो भी सिंध में रहने वाले हैं वो हमारी तरह आवाज़ उठाएँ, सिंध के हक के लिए बोलें, और इंशाल्लाह सब खैरोकार, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ये इस इवेंट में आए हैं। और आप अभी कराची के आर्ट्स काउंसिल सिंध जनरल स्पॉन्सर की जानब से सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनका किया गया, जिसमें सियासी समाजी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले बड़ी शख्सियात ने जो बड़ी तादाद में शिरकत की, बल्कि इसमें जो है वो आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपना जो सिंधी सकाफती दिन उसको भरपूर तरीके से मनाया है। कैमरा मैन सिकंदर के साथ अनुष आफ्ताब चैनल KN24 HD न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श चन्ना साहब मौजूद हैं, जो डे सिंधी कल्चर डे के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में हमारे साथ मौजूद थे। आइए इनसे इनके जज्बात और एहसास मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप यूं समझें कि आज जो सिंध का कौमी ईद का दिन है, जिसको हम सिंध कल्चर डे कहते हैं, और ये तकरीबन 13-14 साल से मनाया जा रहा है, और बड़ी खुशी की बात है कि आप मीडिया पर्सन, हम मीडिया पर्सन, आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखें बात यह कि सिंध कल्चर शो सिर्फ कराची से कश्मीर तक नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अलावा दुबई, अरब अमारात, यूरोप, कैनेडा, इटली, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह मनाया जा रहा है। उसकी खास वजह यह कि सिंध की तहजीब और सकाफत 5000 साल पुरानी है, और इस तहजीब और इस सकाफत से जुड़ा हर शख्स यहाँ जो पाकिस्तान रह रहा है वो भी सेलिब्रेट करता है। अभी इंशाल्लाह ताला हमारा जनवरी के पहले हफ्ते में आर्ट्स काउंसिल में ही कुल सिंध मुशायरा और 5वीं अज़्म पाकिस्तान मीडिया अवार्ड तकरीब करेंगे, और इसमें मिनिस्टर वगैरह आएंगे, MPs भी आएंगे, और बड़ी बड़ी शख्सियात आएंगी, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज सिंध जर्नल्स काउंसिल के जहर तमाम जो सिंध कल्चर शो हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में, उसको आपने भरपूर कवरेज दी, और मुझे से नाचीज से आपने कमेंट्स लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रसूल बख्श चन्ना साहब, जो कि हमें अपना कीमती टाइम दे रहे थे, और कल्चर डे के हवाले से आइए कुछ और मेहमानों से हम चल के बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ अमजद शाह साहब मौजूद हैं, प्रांस मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची। आइए इनसे बात करते हैं। सर, डे के हवाले से हमें बताइए आपके कैसे जज्बात हैं, क्या फीलिंग है जो हम कल्चर डे आर्ट्स काउंसिल में मना रहे हैं, और वह 5 तारीख को जो हमारा कौमी डे आ रहा है? जनाब बड़ी खुशी की बात है, और बड़ा पुरमसरत ये मौका है कि इस वक्त सिंध का कल्चर डे ये मनाया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हमारे जितने भी इलाके हैं, जितने भी सूबे हैं, जितने भी हैं, सबका अपना अपना एक तहजीब है, एक सकाफत है, और ये मिल के एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाता है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो देखे फनकार गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपने फोक चीज़ें गा रहे हैं, अपने सूफी आइटम पेश कर रहे हैं, और एक अजरक और टोपी का रंग लगा हुआ है। आप जैसे लोग बैठ के मीडिया पे इस चीज़ को पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त हो रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्या क्या ज़ुबानें बोली जाती हैं, क्या क्या सकाफत के रंग हैं, क्या क्या तहजीब के रंग हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी हर जगह होनी चाहिए, और पाकिस्तान सकाफती तौर पर बहुत रिच है, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ये देखेंगे आप सबूत है कि रौनक लगी हुई है, और 5 तारीख को भी प्रोग्राम होगा, आज भी प्रोग्राम है, ये पूरा वीक ही प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। कहीं सर इस डे के हवाले से हमारे नाज़रीन से आप बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें पूरे सिंध धरती के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए? सर देखिए जी, मेरा पैगाम ये, हमारा पैगाम प्यार और मोहब्बत और अमन का है, तो आप भी सेलिब्रेट करें, और सबको एक अमन का और प्यार का पैगाम इस धरती से और आज के दिन के हवाले से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करें।
ये थे शाह साहब, प्राउंस मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन। आइए दूसरे मेहमानों से चल के बात करते हैं, उनके जज्बात उनके एहसास मालूम करते हैं। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा सिंध के हवाले से। सिंध मोहब्बत आई खुलूस जो बियो नालो, सिंध मोहब्बत आई खुलूस जो बियो नालो, ऐं असां सिंधियन के नफ़रत करण तो सेखारी ना है। तो पोइ अचो मोहब्बत आई खुलूस जी इन धरती ते मोहब्बत आई प्यार जा पैगाम आम कयूं। महरबानी।